पूरी दुनिया का कोहिनूर हीरा है संस्कार, हमारी सभ्यता, हमारी वृत्ति। माता पिता कितने अरमान से पढ़ाते लिखाते हैं। 20 वर्ष तक माता पिता पढ़ा लिखा कर बेटे को राम बनाने की चेष्टा करते हैं। कितने वर्ष तक? 20 वर्ष तक। और 20 दिन की कुसंगति बेटे को रावण बना देती है। वो 20 वर्ष पर पानी फिर गया। 20 वर्ष, मात्र 20 दिन की कुसंगति। हम दें अपने बच्चों को सब कुछ, दो वो हैंडसेट मांगे तो हैंडसेट दे दो, वो दुनिया की चीज मांगे दे दो, पर बच्चों को एक चीज देने में पीछे मत हटना। सारी दुनिया सुख बच्चों को दीजिए, पर बच्चों को साथ में उस सुख के साथ में संस्कार जरूर दीजिए। संस्कार कैसे? चलो, कथा हो रही है हमारे साथ बैठना व कथा में, चलिए। कोई कह रहा था गुरुजी इतनी कथा, गुलबर्गा में भी हमारे यहाँ कथा होती रहती, कभी भागवत, कभी ये, कभी राम कथा, कभी ये कथा, इतनी कथा। जब टीवी चालू करो कोई ना कोई महाराज की कथा ही चलती रहती है। कितनी कथा हो रही है महाराज, इतनी कथा क्यों? भैया कथा होने का सार्थक तो क्यों है कि कलिकाल में इतनी कथा क्यों चल रही है? उसका कारण था सतयुग में भगवान का नाम खूब चलता था, त्रेता में भी खूब चला, द्वापर में भी खूब चला, पर भगवान ने देखा अब कलयुग आ गया है, कलयुग में भगवान का नाम ज्यादा चलेगा नहीं, इसलिए भगवान ने पृथ्वी पर पुराणों की सेल लगा दी है कि कहीं पर भी जाओ मार्केट में तुम्हें यह माल हमेशा मिलता ही रहेगा। कहीं पर यह सेल लगी है, कभी भागवत, कभी रामायण, कभी गीता, कभी शिव पुराण, कभी देवी भागवत, कभी कोई पुराण, कभी कोई पुराण श्रवण करते, धारण करिए। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को, इस बुद्धि को भगवान को समर्पित करने का भाव प्रकट करिए। मन को कितना, एक भगोने दूध को दही बनाने के लिए जामन कितना डालोगी? जी जी हो, बोलो कितना? थोड़ा सा। मेरी बूढ़ी वृद्ध वृद्ध माताएं बैठी हैं, वो जानती हैं, एक भगोने दूध को दही बनाना है, जमाना है, तो जामन कितना डालोगे? थोड़ा सा। इतनी भगोना भर के दाल में अगर स्वाद लाना है तो बघार कितना डालोगे? इतना। उसी तरह पूरे जीवन का बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, जितना जितना हमारा जीवन है, इस पूरे जीवन को अगर परमात्मा की शरणागति में जमाना है तो 7 दिन की शिव महापुराण का जामन डाल दीजिए, वो जिंदगी में जमकर तैयार हो जाएगा। मात्र 7 दिन का जामन, 7 दिन का ये शिव महापुराण की कथा का रसस्वादन, 7 दिन की कथा का सुख, जीवन को सुख प्रदान कर। 7 दिन और नहीं तो जीवन व्यक्ति का चलता रहे। श्री नारद जी महाराज ने तप किया, रामचरितमानस में आपने श्रवण किया, शिव महापुराण में भी लिखा है, देव ऋषि नारद तप करे कामदेव को जीत लिया। जब कामदेव को श्री देव ऋषि नारद ने जीता तो सबसे पहले देव ऋषि नारद कामदेव को जीत कर अगर पहुंचे तो सीधे पहुंचे भगवान शंकर के पास। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने कामदेव को नहीं जीता था, कामदेव ने शिव जी की समाधि को तोड़ दिया, समाधि को तोड़ दिया। अब दुनिया के लोगों ने कहा बताओ वो देव ऋषि नारद काम को जीत लिए पर भोलेनाथ काम को नहीं जीत पाए। भैया तुमको कौन समझाए
वो कामदेव शंकर भगवान का साडू भाई था। दक्ष प्रजापति ने रति भी आई थी कामदेव को, सती भी आई थी। अरे बोलो तो, महादेव को, शंकर जी को। अब ईमानदारी से बोलो, साडू भाई आएगा तो सम्मान करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? तो कई लोगों ने कहा भगवान भोलेनाथ को तो आंख बंद करके बैठे रहना था, कामदेव क्या बिगाड़ लेता? कामदेव ने भगवान शिव की समाधि क्यों तोड़ी और भगवान शंकर ने समाधि क्यों तोड़ी? वो तो बैठे रहते। भैया, धर्म पत्नी के रिश्तेदार अगर आए तो पति का फर्ज है कि थोड़ा सम्मान देना पड़ता है। नी दे अवरिंदो, अभी हमारे बनवारी लाल जी मामा जी को लेकर आए थे, इनके माता के पक्ष के मामा जी थे, तो अभी सम्मान दे रहे थे कि नहीं दे रहे? भैया हमारे मामा पक्ष के, हमारे मामा है। फिर कहा ये मामा की बहू है, सम्मान दे। अब देवऋषि नारद को क्या दिक्कत? देवऋषि नारद तो अपने आनंद मस्ती में, पर भगवान शिव को तो पूरी रिश्तेदारी देखना पड़ेगी ना। सबसे सुंदर अगर कोई रिश्तेदारी निभाना जानता है तो मेरा महादेव जानता है, दुनिया में कोई नहीं जान सकता। इतनी सुंदर रिश्तेदारी मेरा शंकर निभाता, मेरा भोलेनाथ निभाता। सबसे और उसके बराबर कोई दुनिया में रिश्तेदारी निभा भी नहीं सकता। एक केवल महादेव थे भगवान शंकर, जो अपने पुत्र गणेश और कार्तिकेय से कहते थे कि रक्षाबंधन का त्योहार है, जाओ अपनी बहन अशोक सुंदरी के पास जाओ और राखी बंधवा कर आओ। कौन कहते थे? भगवान शंकर, भगवान महादेव। जाओ अशोक सुंदरी के पास में जाओ और जाकर राखी बंधवा कराओ। तो कई बार कार्तिकेय तो कहते थे पिताजी हम रक्षाबंधन पर अपनी दीदी के यहां नहीं जाएंगे, उसको आना पड़ेगा। वाह, तो भगवान भोलेनाथ कहते थे कार्तिकेय जब तक माता पिता अगर जीवित हैं तब तक घर के बेटे को अपनी बहन के दरवाजे पर जाते रहना चाहिए। क्यों? बुजुर्ग माँ बाप नहीं जा सकते, वृद्ध माता पिता अपने बेटी के घर बार बार नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अधिक मास की कथा में लिखा है अगर बेटी के घर का एक अन्न का दाना खा ले तो व्यक्ति मरते समय उसके मुख में तुलसी का दल नहीं मिलता। अगर बेटी के घर का एक गिलास पानी पी लो तो मरते समय गंगा जल नहीं मिलता। ये अधिक मास में आप लोग जो 33 मालपुए का दान करते हो, क्यों करते हो? काई के लिए करते हो? करते हो ना, 33 मालपुए, 33 मालपुए, 30 मालपुए, 30 दिन के 31वां मालपुआ हमने अगर ब्राह्मण गुरु के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। 32वें नंबर का मालपुआ हमने अगर बेटी के घर का, बहन बेटियों के घर का खाया हो तो दोष ना लगे। और 33वें नंबर का मालपुआ हमने अगर मान लो सूतक या सावड़ का खाया हो तो हमको दोष ना लगे। इसलिए 33 मालपुए का दान होता अधिक मास में। या करते हैं सब लोग दान मालपुए का? 33 मालपुए दान किए जाए। अगर हमने बेटी के घर का कुछ खाया हो तो दोष ना लगे उसके लिए। और मालपुए का भी क्रम आपको वर्णित है, पहले भी आपको बताया है कि 90 नंबर के मालपुए पर अगर लौंग रखकर दान कर दी जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती, अखंड सौभाग्य लेकर जाती है। 11वें नंबर के मालपुए पर अगर सिक्का रखकर दान कर दिया जाए तो जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती। 21वें नंबर के मालपुए पर तुलसी का पत्ता रखकर दान कर दो, कभी जीवन में संपदा की कमी नहीं रहती। जिस व्यक्ति के यहाँ कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता हो तो 14वें नंबर के मालपुए पर लाल कलर का छोटा सा कपड़ा रखकर दान कर दीजिए, घर में कभी जिंदगी में कोई बड़ी बीमारी नहीं आएगी, ना हार्ट अटैक, ना एक्सीडेंट, ना कभी शुगर, ना कभी ब्लड प्रेशर।
इतना मालपुए का महत्व है, अधिक मास के एक एक मालपुए का अलग अलग वर्णन अधिक मास की किताब में लिखा हुआ, अधिक मास की कथा में वर्णन, अलग अलग मालपुए का क्रम है कि अधिक मास में हमें किस मालपुए पर क्या रखकर दान देना चाहिए, कैसा नियम, कैसा नहीं?